हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। आज अपन एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम, अर्थात अध्यारोपण प्रमेय। देखिए, इस थ्योरम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन एक मिनट के लिए चलते हैं केवीएल में। जिसको केवीएल और केसीएल क्लियर है वो अच्छे से क्या कर पाएगा, सर्किट एनालिसिस कर पाएगा। देखो, इन थ्योरम्स को करने से पहले हमने मेश और लूप एनालिसिस पढ़ा था, ठीक है, जाल भी पढ़ा था और मेश और लूप एनालिसिस पढ़ा था। एक संधि विश्लेषण होता है और एक लूप विश्लेषण होता है। ये दोनों सफिशियंट थे किस चीज़ के लिए? देखिए, ये अध्यारोपण थ्योरम या कोई सी भी थ्योरम है, जैसे थेविनिन है, नॉर्टन है, अधिकतम संचरण शक्ति प्रमेय है, या संवरण या प्रतिकार प्रमेय, ये सारी जो थ्योरम है ना, ये सारी आके रुकती कहाँ पर है? एक सर्किट पे। सर्किट का मतलब ये हो गया जिसमें दो या दो से अधिक क्या जुड़ी हुई, कुछ बैटरी या प्रतिरोध लगे हुए, और बंद परिपथ क्या कहलाएगा, सर्किट कहलाएगा। ठीक है, अपन बात करें प्रीवियस टॉपिक की, तो प्रीवियस टॉपिक में था क्या? प्रीवियस टॉपिक में यही तो था ना कि अपन केवीएल और केसीएल के थ्रू और मेश लूप और नोड एनालिसिस, ये है दो ही, मेश लूप तो एक ही होता है और नोड एनालिसिस अर्थात किसी परिपथ का संधि विश्लेषण और किसी परिपथ का लूप विश्लेषण। इससे अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी परिपथ का विश्लेषण कर सकते हैं अर्थात एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जब अपन सब कर सकते हैं, है ना, तो क्यों ज़रूरत पड़ी इन सुपरपोजिशन थ्योरम को लाने के लिए, क्यों ज़रूरत पड़ी थेविनियन प्रमेय बनाने की, क्यों ज़रूरत पड़ी नॉर्टन्स प्रमेय बनाने की? तो यहाँ पे एक ट्विस्ट रहता है। ट्विस्ट क्या रहता है, इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से समझने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एक होटल है, ठीक है। अब होटल में क्या होता है कि मान लीजिए इंडियंस है, फॉरेनर आ गए, ठीक है, और कुछ पार्टी के लोग आ गए, जैसे मान लीजिए बीजेपी, कांग्रेस, व्हाटएवर, और कुछ क्रिकेटर्स आ गए। तो अब किसी को यदि क्रिकेटर से मिलना हो, ठीक है, तो होटल वाला क्या कर दे कि सारे क्रिकेटर्स को मिक्सिंग कर दे, है ना, क्रिकेटर के रूम और मतलब और कौन थे नेता पार्टी वगैरह के रूम साथ साथ कर दे। तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई सीधे क्रिकेटर के रूम तक कैसे पहुंचा जाए, समझ पा रहे हो ना। अब देखिए होता क्या है कि ये थ्योरम क्या कर देती है कि एक थ्योरम सीधा वे बता देती है कि हाँ आप इसको अप्लाई करो तो ये हो जाएगा। मतलब यदि आपको क्रिकेटर से मिलना है तो आप क्या कीजिए, सेक्शन ए में क्या है, पॉलिटिक्स है, मतलब राजनीति है, सेक्शन बी में इंडियन है। अब क्रिकेटर इंडियंस भी हो सकते हैं एक एग्जांपल के लिए, ठीक है, और फिर फॉरेनर है और ऊपर ही ऊपर क्या है, क्रिकेटर है। तो आप जो तीन सेक्शन को छोड़ के सीधे कौन से सेक्शन में जाओगे, ऊपर वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, क्रिकेटर्स मिल जाएंगे। तो आपके लिए सिंपल हुआ कि नहीं हुआ? बस यही चीज़ कहाँ पे अप्लाई होती है, यहाँ पे केवीएल और केसीएल से आप किसी भी लूप का क्या कर सकते हो, एनालिसिस तो कर सकते हो, पर एकदम बहुत जटिल लूप आ जाए ना तब दिक्कत हो जाती है कि इसको कैसे सॉल्व करें। इसको सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम कैसे हो जाएगी, बहुत सारे लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए हमारी कॉलेज की बात करें तो इतने सारे फैन जल रहे हैं, ट्यूबलाइट जल रही है, किसी को रूम का सर्किट एनालिसिस करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे जुड़े हुए तो एक दूसरे से, अब यहाँ पर फैन चलेंगे और वहाँ पर फैन नहीं, मतलब चलेंगे तो लोड तो किसी न किसी पर तो पड़ेगा ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करे हुए हैं, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तब ये काम आती है क्या, थ्योरम्स। अब समझ में आया थ्योरम क्यों बनाएगी? ये थ्योरम कहते हैं कि यदि हाँ ऐसी कुछ बात वहाँ पे दिख रही है, जैसे मान लीजिए आपको राजनेता से मिलना है तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, सेकंड फ्लोर पे जाइए। अब राजनेता पे भी मिलना है तो फिर मेल और फीमेल को कैटराइज कर दीजिए, मेल का अलग सेशन बना दीजिए, फीमेल का अलग बना दीजिए। तो मेल से मिलना तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, मिल सकते हो, तो कितना सिंपल हो गया ना। तो वो बात है, वरना आप एक होटल में घुस गए, अब ढूंढो कि भाई राजनेता कहाँ पे है, क्रिकेटर कहाँ पे है, फॉरेनर्स कहाँ पे, तो हो गया ना कंफ्यूजन। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या होता है कि एक सेक्शन बना दिए जाते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, यहाँ पे थ्योरम बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने हेडिंग डाल रखी है सुपर पोजिशन थ्योरम अर्थात अध्यारोपण प्रमेय। देखिए, सुपर पोजिशन थ्योरम से सीधा हिंदी में मैं जाके बात करूँ, अध्यारोपण अर्थात दो चीज, अध्यारोपण का मतलब दो चीज़ क्या होगी, अध्यारोपित होगी। अब अध्यारोपित इन सेंस, जैसे मान लीजिए एक कोई एग्जांपल, अध्यारोपण का मतलब सिंपली अपन समझ लें कि डबल डेकर बस देखी है, अब तो शायद नहीं चलती, कई सिटीज़ में चलती होगी, एक बस होगी, सीट होती है उसके ऊपर एक सीट और लगा देते हैं तो डबल डेकर बस बन जाती है। तो एक सीट के ऊपर दूसरी सीट क्या होगी, अध्यारोपित होगी। जैसे मान लीजिए अपन चेयर है, टेंट वाली जो चेयर होती है, यहाँ पर भी चेयर रखी हुई है, आप देख नहीं पाओगे, तो बहुत सारी चेयर को एक दूसरे पर रख देना क्या हो गया, अध्यारोपित हो गया। लेकिन ये बात चल रही है किसमें,
थ्योरम में चल रही है, तो थ्योरम में अध्यारोपण कैसे होगा? तो थ्योरम में किन का अध्यारोपण होगा? धाराओं का क्या होगा? अध्यारोपण होगा। ठीक है, देखिए ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये मैंने कोई किताब से देख के नहीं लिखा, ये मैंने जो मैं अध्यारोपण से समझता हूँ वही लिखा है। आप किताब उठा के देख लेना, आपको लगभग क्या मिलेगा सेम मिलेगा। मैं अभी भी वापस बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट मैंने अपने हिसाब से लिखा है ताकि सिंपल वे में क्या कर सकूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो देखिए पहले अपने हिसाब से अपन क्या पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि जब किसी परिपथ में दो या दो से अधिक जनित्र जुड़े हुए हो, जनित्र मतलब बैटरी बोल दीजिए या जनरेटर बोल दीजिए, ठीक है एक ही बात है, तो परिपथ के किसी अवयव से प्रवाहित धारा का मान प्रत्येक जनित्र द्वारा प्रवाहित धाराओं के योग के क्या होता है, तुल्य होता है। वापिस देखो, आप पढ़ो और आप समझो। देखिए इसमें क्या बोल रखा है, ऐसे बोल रखा है कि यदि किसी सर्किट में दो जनित्र जुड़े हुए और पूरे सर्किट में से कोई एक अवयव आपने क्या कर लिया, रेंडमली चूज कर लिया, ठीक है कि भाई हाँ मेरे को इस अवयव में देखना है कितनी धारा प्रवाहित होती है, तो प्रत्येक बैटरी या प्रत्येक जनित्र के द्वारा जो धारा उसमें प्रवाहित होगी उन दोनों को जोड़ दो, उसमें उतनी ही धारा क्या मिलेगी, आपको प्रवाहित होती हुई मिलेगी। इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल से, इसको अपन समझते हैं एक एग्जांपल से। एक डायग्राम बनाया हुआ आपके सामने, ठीक है, यहाँ पे क्या है, Z1 Z2 Z3 तीन क्या लगा दिए हमने, रेजिस्टेंस लगा दिए, और दो क्या जोड़ दिए हमने, बैटरी जोड़ दी। तो बताओ स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है? अब आप में से कोई ये बोले सर मुझे नहीं पता, आप इस Z1 से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करके बताओ, ठीक है Z1 से किसी एक अवयव से उठा लो, Z2 उठा लो, Z3 उठा लो, Z1 उठा लो, जो भी उठाना है, जैसे मान लीजिए हमने उठा लिया Z1, अब मैं क्या करूँगा, Z1 से प्रवाहित धारा देखूंगा और यह क्लियर करूंगा कि इसमें जो प्रवाहित धारा है क्या वो सच में E1 और E2 से प्रवाहित धाराओं का क्या है, योग है या नहीं है। तो इसके लिए पहले मैं इस परिपथ को क्या करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा, क्या करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भाई, सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या लगाओगे, पहले अप्लाइंग केवीएल लगाओगे या लूप एनालिसिस लगा दीजिए। तो लूप एनालिसिस लगाने से भी पहले आपको दोनों लूपों में क्या माननी पड़ेगी, धाराएं माननी पड़ेगी। तो दो लूपों में धाराएं कैसे मानेंगे, सर बैटरी का प्लस सिरा, धारा प्लस से माइनस बहेगी, डायरेक्शन मिल गई, यहाँ पे बैटरी का सिरा ऊपर की तरफ है, धारा की डायरेक्शन मिल गई। अब इसका लूप एनालिसिस समझते हैं। देखिए लूप एनालिसिस कैसे करेंगे, किसी भी बिंदु से स्टार्ट हो जाओ भाई, आप यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, इसमें धारा I1 बह रही है, तो I1 क्या हो जाएगा, Z1 हो जाएगा, I1 Z1 प्लस धारा I1 किस में से बह रही है, Z3 में से, तो प्लस देखना प्लस Z3 I1, साथ साथ में आप लूप एनालिसिस भी सीख जाओगे। क्या Z3 में से केवल I1 बह रही है, नहीं, Z3 में से भी I2 भी क्या कर रही है, बह रही है, लेकिन बताओ डायरेक्शन देखो, I1 बह रही है ऐसे, I2 बह रही है ऐसे, तो जस्ट अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया, इसका मतलब क्या रहा, इसका मतलब माइनस क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे Z3 और क्या करेंगे I2, बताओ ये मैंने जो बात लिखी वो सही है या नहीं, सोचो क्या धारा की डायरेक्शन अलग अलग होगी या सेम होगी। देखिए हमने धारा कहाँ से मानी, यहाँ से, ये धारा इसमें ऐसे जाएगी, तो डायरेक्शन कौन सी मिली, ये वाली। देखो आप खुद महसूस करना सीखो, यहाँ पर खुद देखना सीखो, पर यहाँ से जो धारा जाएगी वो भी तो सेम डायरेक्शन से जाएगी ना, तो यहाँ पे डायरेक्शन सेम ही होगी, डायरेक्शन सेम होगी तो यहाँ पे माइनस ले लेना, यहाँ पे प्लस लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, इसको स्टार डाल के लिख लेना, बच्चे कंफ्यूज ऐसे ही होते हैं। अब तक जो आपने लूप एनालिसिस किए हैं ना उसमें एक धारा क्या लेते थे, अपोजिट लेते थे, अब धारा की डायरेक्शन क्या आ रही है, यहाँ पर सेम दिखा रहे, ठीक है। फिर आप कौन से टर्मिनल में गए, फिर आप गए नेगेटिव टर्मिनल में, तो नेगेटिव टर्मिनल गए तो माइनस कर दिया E1 और टोटल सम क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए, I1 इसमें भी है तो I1 कॉमन, Z1 प्लस Z3 और कितना हो गया, प्लस Z3 I2 इक्वल्स टू कितना हो गया I1, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर एक, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन वन, बोल दिया। अब देखिए आगे फर्दर किसको सॉल्व करेंगे, ये कब मिला, जब हमने लूप कौन सा स्टडी किया, एक स्टडी किया, तो अपन को क्या मिला, आंसर मिला, ठीक है। अब अपन इस लूप पे चलते हैं, इस लूप पे यहाँ पे बैठ जाओ और वापस घूमते 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 यहीं पे आना, ठीक है। तो यहाँ पे जब अपन बैठे तो हमने यह देखा कि यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो धारा सामने आती हुई मिल रही है, नेगेटिव कर दो, क्या फर्क पड़ता है, सामने आती हुई मिल रही है, नेगेटिव कर दो, तो नेगेटिव करेंगे तो माइनस हो गया, कितना माइनस हो गया, ये I2 Z2, फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे बैटरी आपको प्लस में मिली तो प्लस कर दिया आपने E2, फिर आप यहाँ पे गए, यहाँ पे जाते हुए देखे
तो अपन को यहाँ पे कोई नहीं मिला, और यहाँ पे जब वापस जा रहे थे तो अपन को क्या मिला, जेड थ्री मिला। क्या मिला? जेड थ्री। लेकिन इसमें भी धारा सामने से आती हुई मिल रही है, तो माइनस हो गया। कितना माइनस हो गया? जेड थ्री, और कितना हो गया? आई टू हो गया। जेड थ्री क्या हो गया? आई टू हो गया। अब वापस देखो, अब अपन क्या देखेंगे कि क्या जेड थ्री में से आई टू ही बह रही है? नहीं, जेड थ्री में कौन बह रही है? आई वन भी बह रही है। लेकिन किस दिशा में? आप जा तो इस दिशा में रहे हो, आपको आई वन किस में आते हुए मिल रही है, तो माइनस क्या करोगे? माइनस करोगे आई वन, और कितना हो जाएगा? जेड थ्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? जीरो। माइनस क्यों आया ये समझिए, हमने धारा की दिशा तो ये ली, चले अपन उल्टा, तो जो जो प्लस में आना था वो क्या आ गया? माइनस में आ गया। अब इस ई टू को इधर भेजें तो सारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। और कुछ कॉमन आ रहा है? I2 कॉमन आया, तो I2 कॉमन आ गया। देखना, मैं एक स्टेप सीधा ही लिख रहा हूँ, Z2 सॉरी प्लस Z3। अब ये माइनस है, इसको मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, प्लस कितना हो जाएगा? Z3 I2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? E2। ये कैसे आ गया? इसको आप सोचो कैसे आ गया। मैंने लूप दो का क्या किया? एनालिसिस किया, और मेरे को इक्वेशन मिली। कैसे आया? देखो, यहाँ पे दोनों पे माइनस कॉमन आएगा, ये माइनस यहाँ पे रहेगा, इसमें भी माइनस आएगा, माइनस यहाँ पे रहेगा। ये E2 इधर जाके क्या होगा? माइनस का ही तो होगा ना, तो माइनस 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 सब में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो यहाँ तक एक बार आप देख लो क्या किया है, केवल और केवल दो लूप का क्या किया है हमने? एनालिसिस किया है। अब अपन आगे बढ़ेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे बाय द इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास I1 और I2 के क्या आ जाएंगे? मान आ जाएंगे, जो मैंने सोल्व करके सीधे ही बोर्ड पे लिख दिया। क्यों? क्योंकि यदि इनका अपन सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो बहुत क्या हो जाएगा? लेंथी हो जाएगा, और ये आपको सिंपल सी थ्योरम भी क्या लगेगी? हार्ड लगेगी। ठीक है, अब अपन कहाँ पे चलते हैं? जो हमारी थ्योरम कहती है, हमारी थ्योरम क्या कहती है समझना। देखिए, यहाँ पे वापस दो डायग्राम बनाऊंगा और दोनों के लिए क्या करूँगा? सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, तो देखिए, हमने कहा किसी एक अवयव से प्रवाहित धारा का मान, तो मान लीजिए आपने कौन सा सेलेक्ट कर लिया? Z1 सेलेक्ट कर लिया। तो Z1 सेलेक्ट कर लिया और फिर देखा कि इसमें से कितनी धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक जनित्र से प्रवाहित धारा के मान के क्या होता है? बराबर होता है। तो प्रत्येक जनित्र मतलब प्रत्येक बैटरी होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन E1 की वजह से इसमें कितनी धारा बह रही है। तो मान लेते हैं कि ये बैटरी Z1 में I1 धारा देती है, तो बताओ Z1 में प्रवाहित धारा का मान कैसे निकालोगे? V = IR, देन I = V, मतलब बैटरी अपॉन R कितना हो गया? तो R टोटल सम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बैटरी इनमें भी तो धारा ही देगी ना। तो देखिए, ये दोनों किस में जुड़े हुए? यहाँ पे ट्विस्ट है, समांतर क्रम में, और ये किस में? श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम में आप जानते हो 1/R = क्या होता है? 1/R1 + 1/R2। इसका जब अपन उल्टा करेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा Z2 Z3 अपॉन कितना बन जाएगा? Z2 प्लस कितना हो जाएगा? Z3। तो ये आ गया हमारे पास किसका? धारा का मान। स्टार डाल के लिख लेंगे। धारा का मान कैसे निकाला? इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा, फिर दोनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो ये इसके साथ किस में बन जाएगा? श्रेणी क्रम में बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया? दूसरी बैटरी हटाई, इस बैटरी की वजह से Z1 में धारा देखी। अब क्या करेंगे? अब उल्टा करेंगे, ये बैटरी क्या करेंगे? अपन हटाएंगे। ठीक है, ये तो हमने कब निकाला? जब E1 की वजह से। अब अपन निकालेंगे E2 की वजह से। E2 की वजह से देखो, ऐसे ही पढ़ो वजह से, यही आपको किताब में नहीं मिलेगा, पर मैं ऐसे ही बताता हूँ, जो सिंपल लैंग्वेज, जो जिससे अपन क्या करते हैं समझते हैं। थोड़ा सा कैमरा घुमा देते हैं ताकि आपको पूरा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओ चलो, देखिए आइए, अब स्टार्ट करते हैं अपन। आओ, तो देखो E2 की वजह से, E2 का मतलब सर E1 हटा दीजिए और यहाँ पे Z1 लगा दीजिए, Z3 हो गया, Z2 हो गया, और बैटरी जोड़ दीजिए E2। ये लीजिए E2 बैटरी जुड़ी हुई, यहाँ पे क्या है? Z2 है। ये कौन सा है? Z3 है। ये कौन सा है? Z1 है। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, बहुत शानदार और बहुत मस्त बात आने वाली है। देखना इस वीडियो को पूरा अंत तक, देखना आपको ये थ्योरम चाहे कैसे भी दे दे, यदि आपको ऐसे भी बोल देना Z2 से निकालो तो आप खुशी खुशी निकाल लोगे। देखना कैसे यहाँ से एक धारा निकलेगी इस बैटरी की वजह से, बताओ ये बात सही है या नहीं।
ये बैटरी किसको धारा देगी? जेड वन को। वापिस समझिए, ये बैटरी किसको धारा देगी? जेड वन को। देगी कि नहीं देगी? तो यहाँ से एक मस्त सी क्या निकलेगी? धारा निकलेगी। ठीक है, विराट कोहली आया, विराट कोहली के पास बहुत सारे रन थे, थोड़े इसको देने थे, थोड़े इसको देने थे। अब यहाँ पे विराट कोहली सोचता है किसको कितने रन दूँ। बताओ आपको धारा किस में चाहिए? जेड वन में। यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक। ठीक है, आपको धारा किस में चाहिए? जेड वन में। तो मान लीजिए आई वन डबल डैश मान लीजिए। ठीक है, तो आपको धारा देखनी है जेड वन में। आपने मान लिया आई वन डबल डैश। ठीक है, यहाँ पे विराट कोहली आया, किसको जेड वन को दूँ या जेड थ्री को दूँ? तो देखिए धारा एक टू बैटरी दे रही है, तो धारा आई वन जो ई टू बैटरी से धारा आके निकल के ऐसे सोचेगी कि दो रास्ते हैं, मतलब दो बंदे हैं, मेरे को क्या देनी है, थोड़ी थोड़ी इनको धाराएं देनी है। तो यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ, समझ लेना। आपको किस में धारा चाहिए? जेड वन में। तो इसका अपोजिट कौन सा ये बता दीजिए। जेड थ्री। देखिए दो में डिवाइड होगी, आपको धारा जेड वन में चाहिए, अपोजिट कौन सा है? जेड थ्री। ऊपर लिख दीजिए, बस हो गया था। और इन दोनों का सम जेड वन प्लस जेड थ्री, ये क्या लिख दीजिए? नीचे लिख दीजिए। बताइए जो मैंने बात बताई वो क्या थी? मैंने ये बोला यदि एक धारा दो प्रतिरोध में बांटना हो तो पहली वाली धारा क्या सोचेगी कि मेरे को जाना किस में है? जेड वन में, हमको जेड वन में देना है। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या लिख दिया? जेड थ्री लिख दिया। अपॉन में क्या कर दिया? टोटल सम कर दिया, कर दिया। बस इतना सा ही करना है, बाकी क्या होता है? बाकी तो कुछ नहीं होता। धारा बराबर क्या होता है? वी बराबर आई आर, देन आई बराबर वी, ये लीजिए वी, अपॉन में आर, अपॉन में आर, टोटल सम हो जाएगा। इस बार देखो, इस बार ये दोनों किस में होंगे? समांतर क्रम में, और ये वाला श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे बन जाएगा कितना? जेड टू प्लस कितना बन जाएगा? जेड वन जेड थ्री, अपॉन कितना बन जाएगा? जेड वन प्लस जेड थ्री। ये लीजिए आपकी थ्योरम होगी। जब आप क्या करोगे, वैल्यू निकालोगे, स्टार डाल के लिख रहा हूँ, आपके पास आई वन की ही वैल्यू आ जाएगी। जब आप आई वन डबल डैश माइनस क्या करोगे आई वन, अर्थात इन दोनों धाराओं का जब आप अंतर देखोगे तो वो धारा जो परिपथ के आई वन से बह रही थी उसके मान के क्या आ जाएगी? बराबर। इसका मतलब दोनों बैटरी लगा के देखा तो वही धारा मिली जो अलग अलग धाराओं का क्या थी? एक सम थी। यहाँ पे आप ये बोल सकते हो, सर आपने तो योग बताया, यहाँ पे आपने माइनस कैसे किया? तो यहाँ पे माइनस का मतलब है, देखो ये अपोजिट डायरेक्शन होगी ना, दैट्स व्हाई अपन क्या कर देते हैं, आई वन डबल डैश मान लेते हैं। तो ये था वीडियो सुपरपोजिशन थ्योरम पे। आई होप आप को भी वीडियो पसंद आया हो। यदि ये वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट जिसको रिक्वायर्ड है सुपरपोजिशन थ्योरम समझने की, वो क्या कर सके, थ्योरम समझ सके। हो फिर भी आपको इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू सो मच।